व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर डे 8,000 रुपीज़ की अर्निंग किस तरह हो सकती है। अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा, बट एक दिन में 8,000 रुपीज़ अर्निंग हो सकता है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा अच्छा काम, और वो कौन सी वेबसाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर काम किस तरह करना है, वो सब कुछ डिटेल में जानते हैं। आप वीडियो लाइक करें, वीडियो पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, किस तरह काम आपको करना होगा, किस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ वाज आपको काम करना होगा वेब स्टोरीज कैसे बनाएं, ठीक है, वेब स्टोरीज पे आपको काम करना होगा। नाउ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, किस तरह बनेगा। देखिए वेब स्टोरी इसके क्या फ़ायदे हैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको वेब स्टोरीज के अंदर वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट अकाउंट में जाकर प्लगइन को इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है, ठीक है। वर्डप्रेस अकाउंट के डैशबोर्ड में स्टोरीज ऑप्शन दिखने लगेगा, वेब स्टोरीज वहाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए गूगल वेब स्टोरीज बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। नाउ देखिए इंस्टॉल वेब स्टोरीज यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस अकाउंट को लॉगिन करें, ठीक है, वर्डप्रेस अकाउंट पे साइन अप करके लॉगिन करें। ना वेब स्टोरीज पर मैक स्टोरी सर्च के और दोनों में से कोई एक प्लगइन इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे ये आपके सामने मैंने स्क्रीन दिखा रखी है, देख सकते हैं प्लगइन का डैशबोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना ना। उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव इतने ही आपको वर्डप्रेस अकाउंट में स्टोरीज का ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। नाउ ये देखिए यहाँ पर स्टोरीज का वर्डप्रेस का जो इमेज क्लिक मैंने किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ना स्टोरीज में डैशबोर्ड में जाकर वेब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले गूगल एनालिसिस मोनेटाइजेशन एड कर लेना चाहिए। यहाँ सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी भरें, ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाना है। और ये देखिए यहाँ एनालिटिक्स दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पर ही एनालिटिक्स दिख रहा है, इसमें ये आपको फिल करना है, ठीक है ना। नंबर टू स्टेप, वेब स्टोरीज मोनेटाइज कैसे करेंगे आप, वेब स्टोरीज मोनेटाइज कैसे करेंगे, वेबसाइट पर लोगो डालें, गूगल की नज़र में आपका वेबसाइट ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। इसका फ़ायदा है कि ट्रैफिक रैंकिंग दिखने को मिलेगी, ब्रांडिंग में ब्रांडिंग नेम और ये सब कुछ आपको डालना होगा, लोगो वगैरह अच्छे से आपको बनाकर स्टोरीज को पोस्ट करना होगा, बनाना होगा, वो भी जानते हैं कैसे करना होगा। आपको गूगल एडसेंस या गूगल एड मैनेजर में जाकर जो आपके पास सेलेक्ट कर लें, अगर आपके एडसेंस का ऑप्शन शुरू हुआ ब्लेसर आईडी स्लॉट यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, ये देखिए ब्लेसर आईडी स्लॉट्स यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना होगा, डालना होगा मतलब। एंड स्टोरेज सेक्शन में जाकर एड न्यू पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही एडिट ओपन हो जाएगा। एडिट की मदद से वेब स्टोरीज के लिए इमेज या शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं। आप चाहे तो कैनवा जैसे टूल्स की मदद से कोई भी इमेज तैयार कर सकते हैं। वेब स्टोरीज के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो तो इसके लिए साइज 9:16 का ठीक है आपके। अपने इमेज वीडियो में अपलोड करते हैं तो वहाँ ज़रूर एडिटिंग करना होगा, इमेज में आर्ट टेक्स्ट टाइटल अधिक डालें यहाँ, ठीक है। अब न्यू पेज पर डुप्लीकेट पेज पर क्लिक करें, वेब स्टोरीज के लिए पेज ऐड कर सकते हैं, कम से कम 10 से 7 पेज ऐड करें। इसके बाद एक बढ़िया सा पोस्ट इमेज भी ज़रूर ऐड करें, थंबनेल होगा। इसके बाद स्टोरी डिस्क्रिप्शन डालें या अधिकतम 200 कैरेक्टर तक लिखा जा सकता है। इसके बाद प्रेम लिंक में जाकर सेलेक्ट ऐड करें और स्टोरी संबंधित कीवर्ड इस्तेमाल कर वेब स्टोरी बनने के लिए पब्लिश करने के लिए प्रीव्यू जाकर देख सकते हैं। ना अच्छी वेब स्टोरी बनाने के टिप, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वेब स्टोरी बनाएं, ट्रेंडिंग टॉपिक चूज़ करें, क्लिक ट्रैफिक संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। कीवर्ड सर्च करें, ठीक है, ये देखिए
कीवर्ड सर्च, ट्रेंडिंग टॉपिक की जो कीवर्ड से वो अधिक सर्च करें, ताकि आपका यहाँ पर एसईमर्स गूगल कीवर्ड प्लानर टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर सीओ के अंदर ब्लॉग पोस्ट एसईओ में स्टोरीज वेब स्टोरीज जल्दी रैंक करती है। नंबर 4 72 स्लाइडर वेब स्टोरीज में कम से कम 7 से 8 स्लाइडर या 10 से 12 स्लाइडर इस्तेमाल करें। 7-8 स्लाइडर कम होंगे तो गूगल प्रमोट नहीं करेगा, इसलिए 12 से ज़्यादा स्लाइडर होंगे आपके। हाई क्वालिटी कॉपीराइट इमेजेस वीडियोस फ्री वाले इस्तेमाल करें, ठीक है। या पढ़ सकते हैं सब कुछ। वेब स्टोरीज में पैसे कमाने का सबसे पॉपुलर तरीका, आसान तरीका है कि गूगल एडसेंस। इसके लिए आपने वेब स्टोरीज को एडसेंस के साथ मोनेटाइज करना होगा। मोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग, ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर वेब स्टोरीज किस तरह तैयार करना है, किस तरह एडिट करना है, ये एप्लीकेशन कनोवा के अंदर आप कर सकते हैं। कनोवा मैंने नाम बता दिया, कनोवा, ठीक है। आप जैसे ही डालेंगे वेब स्टोरीज किस तरह एडिट करें, तो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आपके सामने आ जाएंगे, और उससे आपको स्टोरीज क्रिएट करके बस प्रेस में जाकर सब कुछ बनाना। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में मैं अधिक से अधिक वीडियो, मतलब एक पूरा वीडियो बनाऊं जिसमें आप सब कुछ समझ सके, अकाउंट क्रिएट करने से लेकर मोनेटाइज अर्निंग करने तक का सफ़र, तो 1 घंटे का वीडियो बनाना होगा। उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो बन सकता है वीडियो, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।